सैफ बोले, तानाजी इतिहास से छेड़छाड़ है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का अस्तित्व ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन एसआरजे। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, एक और खान जिन्होंने भारत के अस्तित्व को ही नकार दिया है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में उनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा जिस इंटरव्यू में उन्होंने भारत के अस्तित्व को नकारते हुए ये बात कही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरी डिटेल में थोड़े से इसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक अपील भी करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपको बहुत ज्यादा अपडेट मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर इस साल की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म बन चुकी है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पहले 10 दिन में 166 करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन फिल्म को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। इस फिल्म में विलन का रोल निभाने वाले सैफ अली खान ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि तानाजी में जो दिखाया गया है वो इतिहास का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ को गलत भी बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में मेरा रोल दिलचस्प था और कुछ वजहों से मैं स्टंट नहीं ले पाया हूँ, हो सकता है कि अगली बार करूँ। तो दोस्तों बता दूं कि लगता है कि इस फिल्म में विलेन का रोल करते करते उन्होंने असल जिंदगी में भी अपने आप को विलेन ही समझ लिया है और भारत के छवि को खराब करने के लिए पूरे जोर कोशिश करना शुरू कर दिया है। फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर में मुगल सेनापति उदय भान राठौर की भूमिका निभाने वाले सैफ अली खान ने इंटरव्यू में कहा कि मैं ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होना पसंद करूंगा जो एक स्टैंड ले और लोगों को बताए कि इतिहास क्या है, न कि निश्चित प्रकार की सोच के साथ इसे छेड़छाड़ करे। लोग कहते हैं कि यह चलता है, यह एक आइडिया है जो चल निकला है, लेकिन यह वास्तव में खतरनाक है। सैफ ने यह भी कहा कि हम सेक्युलरिज्म से दूर जा रहे हैं। सैफ का मानना है कि देश के लोग इसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अगर लोग किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, वहीं अगर कोई एक एक्टर स्टैंड लेता है तो उसकी फिल्म का असर इस पर पड़ता है। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसे पॉलिटिकल कमेंट करने से बचते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए जल्दी से मैं आपको वो इंटरव्यू का वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि सैफ अली खान ने अपने गले से ऐसी बात उगली है। दोस्तों वीडियो देखने का उसके बाद लाइक करिएगा अगर आपको पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। You know, I was talking to Kabir Khan and he said to me that he can forgive bad acting in a film. He can forgive sort of sloppy scripting, but he said what he can't forgive is bad politics. And the politics in Tanaji are questionable. Yeah. Does that bother you as an actor? I mean, not as an actor. Might bother me as an Indian or as a human being. So how do you work around that then? Well, I mean, I mentioned it a couple of times, but I don't think, for some reason, I did not take a stand. Maybe I would next time. I just was very excited about playing the role. It's a delicious role. Yeah. But you know, whether it's when people say that this is history and this is how it is, I don't think this is history. And I'm quite aware of what the history was. Yeah, because you're a film, you're a history buff. Yeah, and I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार इस वीडियो से रिलेटेड जो भी हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और साथ ही अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।